लोग पी भी रहे हैं, पकड़ा भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। इससे अच्छा है कि दारू खोल दें, बिहार में राजस्व की भी बढ़ जाएगा। संतुष्ट रहे हैं और इसमें कौन इससे अच्छा है कि इसको फिर खोल दें। बिहार में शराब बंदी को लेकर सियासत काफ़ी गर्म हमेशा रही है। ऐसे में इस पर शराब संशोधन की बात जो है, शराब के कानून में संशोधन की बात सामने आ रही है, उसको लेकर लोगों में चर्चा काफ़ी जोर शोर से गर्म है। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं बेगूसराय के लोहिया नगर के समीप एक चाय दुकान पर, और आप साफ तौर पर यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ चाय की कुर्सियाँ शाम को ले रहे हैं। यह बेला वह बेला है जब लोग अपने अपने ड्यूटी से ओवर होकर चाय की राहत के समय में चुस्कियाँ लेते हैं। ऐसे में हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग पहले से मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये जो शराब में बंदी कानून में जो संशोधन की गई है, इसको ये लोग किस तरह से देखते हैं और इनका अपना क्या नज़र क्या है, आप कैसे इसको देखते हैं। हमारे साथ प्रदेश है, युवा पत्रकार भी है, स्थानीय रिपोर्टर है, पहले इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में शराबबंदी लागू किए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अभी जो वर्तमान समय में दो चार पाँच दिन पहले एक शराबबंदी में एक संशोधन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर पहली बार शराब पी के अगर पुलिस के सामने जाता है या उसको पुलिस पकड़ती है, तो 200 से 500 रुपये जुर्माना देकर उन्हें पुलिस छोड़ दे। आए दिनों बहुत शराब, अत्यधिक शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से बहुत लोगों की मौत हो गई है। इसके विषय में बहुत बहुत ही ज़्यादा महिलाएं मतलब विधवा हो गई हैं। ये शराबबंदी से, अगली बार जो शराबबंदी से, इसमें इतना जहरीली शराब का लोग, शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद ये जहरीली शराब को बेचा गया, जिसमें अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी जो सेवन किए उसमें जहरीली शराब का सेवन किया, जिससे बहुतों की मौत हो गई। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री इस शराबबंदी को खोल नहीं रहे हैं। हमारा कहना है कि इससे अच्छा है तो आप खोल ही दीजिए, इसमें संशोधन की ज़रूरत क्या है? इसमें शराबबंदी की संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें खोल ही देना चाहिए, ताकि कम आए दिनों हत्याएं रुक जाएगी, आए दिनों जहरीली शराब से जो मौत हो रही हैं उसमें रुकावट आ जाएगी। हमारे साथ ब्रजेश कुमार प्रिंस है, कांग्रेस के अच्छे लीडर भी रहे हैं, लंबे अरसों से इन्होंने अपने समाज में योगदान भी दिया है। हम इनसे भी जानकारी लेने की भरपूर कोशिश करते हैं कि आखिर यह जो कानून में संशोधन किया गया है, इससे ये कितना संतुष्ट है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शराबबंदी जो लागू हो, शराबबंदी लागू होने के कारण बिहार से करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में शराबबंदी जो लागू हो, शराबबंदी लागू होने के कारण बिहार से करोड़ों रुपये के राजस्व की क्षति हुई है। जो राजस्व बिहार सरकार को मिलना चाहिए और मिलता था, जिससे विकास होता था, वह राजस्व आज बिहार सरकार को नहीं मिल करके, बिहार के लोगों को नहीं मिल करके, चोरी छुपे जो शराब का धंधा पूरे बिहार में चल रहा है, उस राजस्व से दूसरे राज्य को लाभ हो रहा है और बिहार में शराब भी मिल रहा है, लोग पी भी रहे हैं, पकड़ा भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, और छापामारी भी प्रशासन के द्वारा जारी है। लेकिन शराब बंदी सिर्फ कागजों पर है और यह सरकार जो वर्तमान है उसके मिली भगत से प्रशासन के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त सरकार चाह लेगी तो पूर्ण शराबबंदी जो संकल्प होना चाहिए वह अभी तक बिहार में नहीं हुई है। इसलिए सिर्फ यह एक लोगों के बीच में मैसेज देने काम किया गया जो नीतीश जी शराबबंदी के विरुद्ध हैं, लेकिन आज हमारे राज्य का राजस्व दूसरे राज्य में जा रहा है। बंगाल से शराब आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, जो पकड़ा रहे हैं हम लोग तो देखे नहीं, लेकिन जो अखबार में पढ़ते हैं हरियाणा का माल पकड़ाया, फलाने जगह पकड़ाया, आखिर झारखंड का, आखिर ये आता कहाँ से? और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इस तरह के धंधा को चलाने वाले जो लोग हैं नीचे से ऊपर तक, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, तब शराबबंदी का संपूर्ण संकल्प पूरा होगा। ऐसे यह सिर्फ दिखावा है और इस धंधे में बहुत सारे लोग जो कल तक कुछ नहीं थे आज बहुत ऊपर तक चले गए हैं, इसलिए यह सिर्फ दिखावा है। यदि सही सरकार को करना है तो इस निर्णय को ही बदल करके
और जो राजस्व की क्षति बिहार को हो रही है वह राजस्व बिहार को मिले, बिहार के विकास में उसका काम आएगा। क्या है पूर्व मुखिया रहे हैं कन्हैया सिंह नाम है इनका, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे निर्णय को ये किस तरह देखते हैं और इसमें इस संशोधन से ये कितना संतुष्ट है। नीतीश जी का यह निर्णय जो है कानून में संशोधन, इससे अच्छा है कि दारू खोल दें, बिहार में राजस्व की भी बढ़ जाएगा। हमको तो यही कहना है दारू खोलिए दे, कानून संशोधन से अच्छा है दारू खोलिए कि अपना राजस्व बढ़ा दें, इससे हम अधिक कुछ नहीं कर सकते। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या राय है। शराब बंदी कानून में संशोधन किया गया है, लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत भी हो रही है और सरकार कानून पर कानून लाए जा रही है, ऐसे में अब जो फाइनली संशोधन किया गया है इससे आप क्या कितना संतुष्ट है, आप इसको कैसे? इससे संतुष्ट हुए हैं और इसमें कौन उससे अच्छा है कि इसको फिर खोल दे और कानून कायदा से खोल दे और राज का क्षति भी नहीं होगा, यह विकास की ओर चलेगा। तो जाहिर सी बात है सब लोगों ने एक स्वर में एक ही बात कहा, कहने का लहजा अलग अलग जरूर था लेकिन सब का इशारा एक ही था कि कागजी स्तर पर शराबबंदी है लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर शराब ओपन है, जिससे जहरीली शराब की तादाद बढ़ गई है और बिहार में जहरीली शराब पीने वाले लोगों की भी तादाद काफ़ी तेज हो गई है, जिससे गरीब लोगों के दबड़के के जो लोग हैं उनकी घर संसार उजड़ गया है। ऐसे में इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शराबबंदी एक ढकोसला है, इससे बेहतर है कि शराबबंदी को खत्म किया जाए और फिर से शराब को खोल दिया जाए, जिससे जो अगल बगल के राज्यों में जो राजस्व जा रहा है वो अपने घर में हो और गरीब मजदूर के जो लोग हैं वो आगे डेवलप कर जाए। बहरहाल ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे बोलता बिहार।